आप लगातार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे, प्रधानमंत्री बनाने की बात करते थे, तो क्या कहना चाहेंगे कि 2027 का जब चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो क्या बहन जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, या अब पदों पे नहीं हैं, आप बीएसपी के अंदर नहीं हैं, तो क्या लगता है कि बहन जी के लिए आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और दूसरे भाई के साथ मैं सवाल भी रख देता हूँ, आप लगातार बसपा के अंदर बहुत सारी खामियों को भी देखते हैं, आप कहते हैं कि थोड़ी सी अपनी रणनीतियों को बदलना चाहिए, तो क्या कौन से कार्य ऐसे किए जाएं जो बसपा की रणनीति बदल सकें और पुनः स्थापित हो सके, बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बन सके, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी तो बिल्कुल दिली इच्छा है कि बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बननी चाहिए, और मुझसे जो भी होगा मैं करूँगा जी। और रही पदों की बात, तो पद तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे जैसे इंसान पर कोई असर नहीं पड़ता है, मैं पदों से बहुत ऊपर हूँ, मेरा दिमाग बहुत ऊपर है पदों से, मैं रियली बोल रहा हूँ आपको। और पद की अगर इच्छा होती तो कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम बहुत ऊपर हैं, हम बाबा साहब को जीते हैं, हम जब कहते हैं कि हम बाबा साहब को जीते हैं तो फिर पदों से बहुत ऊपर हैं हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग समाज के लिए काम करते हैं, और मेरा जीवन तो समाज के लिए, पूरा जीवन मैंने तो अपने आप को समाज के लिए तैयार कर लिया है। रही कमियों की बात, देखिए ऐसा है, कुछ चेंज करना है, कमियाँ नहीं बोलूँगा, कुछ चेंज करना है। देखो, मीडिया ने, जो मेनस्ट्रीम मीडिया और मनुवादी लोग हैं, उन्होंने नैरेटिव समाज में सेट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है जी। उस नैरेटिव को कैसे दूर करेंगे जी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नेता का ये काम है कि उस नैरेटिव को दूर करें पहले तो जी। और जो दूसरा ये है कि जो हमारे लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, उस मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए। लीडर का मतलब है कि अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए रखना। अगर तुम्हारी सेना का मनोबल बढ़ा रहेगा तो तुम्हारी सेना कितनी भी बड़ी सेना से लड़ लेगी, अगर मनोबल टूट जाएगा तो 10 लोगों के सामने भी घुटने टेक देगी, सरेंडर कर देगी। आज पूरे देश में हमारे लोगों का मनोबल टूटा हुआ है, खासकर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, वोटर का, सपोर्टर का बहुत बुरी तरह से मनोबल तोड़ दिया गया है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या रणनीति है? तीसरा ये है कि जो बिना पूछे, बिना बात करे, बिना डेमोक्रेटिक तरीका से किसी को भी निकाल दिया जाता है, लाखों लोग घरों पर बैठे हैं, उनको क्यों निकाला जाता है, उनको कब बुलाया जाएगा जी। एक व्यक्ति अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पार्टी का मालिक बन जाता है और बिना गलती के निकाल देता है, ठीक है ना जी। अगर उनको जी हजूरी ना करें तो भाई उनको अच्छा नहीं लगता है। जो लोग पार्टी के अंदर ही ग्रुपबाजी कर रहे हैं उनका क्या इलाज किया जाएगा? तो ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर पार्टी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, अच्छे लोगों को काम करना चाहिए, रणनीति बना के काम करना चाहिए, अपनी बात को दमदारी से कहना चाहिए, जभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी, जभी लोगों में विश्वास बन पाएगा, खासकर अपने वोटर में जो बेस वोट है, उसके बाद में हम भाईचारा पैदा कैसे करेंगे, बहुजन समाज कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास में बहुत चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। और जब हम चुनौतियों से लड़ लेंगे तो बहुजन समाज पार्टी फिर दोबारा 2007 वाली बहुजन समाज पार्टी बन जाएगी, जब उत्तर प्रदेश में राज किया था, फिर पूरे देश में राज करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ई वी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद,
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।